हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में अभी आप देखोगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। किसके बारे में? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। तो बात यह है कि कोई सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है या नहीं है कैसे पता चलेगा, तो उसको पहचाने हैं कैसे। पहचानने के लिए हम लोग जानेंगे पहचानने का नियम करके, है ना। इस टेंस में सेंटेंस को कैसे पहचानने के लिख देते हैं, पहचानने का नियम क्या होगा। जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता हुआ रहेगा ती हुई रहेगी ते हुए रहेंगे इत्यादि लगा रहे, समझ में आ जाना चाहिए। जब रहेगा क्या, ताप हुआ रहेगा, ती हुई रहेगी, ते हुए रहेंगे इत्यादि लगा रहे, तो समझ लेंगे कि वो सेंटेंस जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। जैसे एग्जांपल में लिखते हैं, वह किताब पढ़ती हुई रहेगी, है ना। किताब पढ़ती हुई रहेगी, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इसमें समय का भी बोध किया जा सकता है, है ना। तथा इसमें जो पहचानने के नियम, तथा समय का बोध किया रहे, है ना। अब इसी में पहला सेंटेंस हो गया, सेकंड सेंटेंस में लिखते हैं, है ना। वे लोग सुबह से खेलते हुए रहेंगे। अच्छा, इससे क्या पता चल रहा है कि कोई भी बात फ्यूचर में कंटिन्यू होगा, है ना। फ्यूचर में थर्ड है, राधा 2 बजे से, है ना, 2 बजे से या 2 घंटे से कर देते हैं, है ना, 2 घंटों से नाचती हुई रहेगी, हुई या नहीं हुई रहेगी, समझ लिए। यहां से देखते हैं हम लोग, है ना, ती हुई रहेगी, ते हुए रहेंगे, की हुई रहेगी, या क्या, देखिए पढ़ता हुआ रहेगा। यहाँ पे देखिए, वह किताब पढ़ता हुआ रहेगा, क्योंकि हुई लिखा हुआ था तो हुआ कर दिया, जिस तीनों तरह का सेंटेंस मेरे पास आ गया, ता हुआ रहेगा, ते हुए रहेंगे, ती हुई रहेगी, क्या लगा रहे, समझ लेंगे क्या वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। और इस तरह का अगर रहे तो बनाने के लिए जो हम नियम होगा उसको हम लोग स्ट्रक्चर बोलते हैं। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर हो सकता है इसमें, है ना, प्लस सिंस फॉर और सिंस का प्रयोग नहीं होगा। सिंस के जगह पे हम लगाते हैं क्या, फ्रॉम का यूज करते हैं, है ना। प्लस टाइम, क्या लगाएंगे, प्लस टाइम, देखते हैं। आपको बताया थे पहले कि मतलब इसमें जैसे हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बताए थे सिंस और फॉर का यूज होता है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज होता है, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पॉइंट ऑफ टाइम के लिए पॉइंट ऑफ टाइम मतलब क्या, निश्चित समय के लिए आप लगाओगे फॉर का यूज, सॉरी फ्रॉम का यूज, है ना। और पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगाओगे फॉर का यूज। ये तो फिर पहले से ही हम लोग जानते आ रहे हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे, नहीं भूलेंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन को। वह किताब पढ़ता हुआ रहेगा, तो वह के लिए क्या लगाएंगे, ही लगा देते यहाँ पे, ही के साथ विल लगता है इन जनरल, ही विल के बाद हैव बीन, ही विल हैव बीन क्या वर्ब है, रीडिंग पढ़ना, रीडिंग क्या लिखे, ही विल हैव बीन रीडिंग, अच्छा पढ़ क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, बुक है,
रीडिंग अ बुक, इसमें क्या देखे, यहाँ पे सुबह शाम है ना, दिन दोपहर का कोई यूज नहीं किया है, समय का बोध नहीं है, दैट मींस ये कंप्लीट सर्विस हो गया। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं, वे लोग सुबह से खेलते हुए रहेंगे, तो वे लोग का क्या करते हैं यहाँ पे, दे के साथ विल, हैव बीन, ये आपका स्ट्रक्चर नहीं कर रहा है, दे विल हैव बीन एक सब्जेक्ट लगा दिए, बाकी यही लगा दिए। अब देखते काम क्या कर रहा है भाई, तो खेलना, वर्ब क्या है, खेलना है, दे विल हैव बीन है ना, बीन प्लेइंग, क्या होगा प्लेइंग, अच्छा इसमें कुछ और भी है क्या, ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, क्रिकेट खेल रहा है, बॉल खेल रहा है, क्या खेल रहा है, नहीं खेल रहा, कुछ नहीं दिया हुआ ना, लेकिन ये समय दिया हुआ है, तो दे विल हैव बीन प्लेइंग कब कब से, सुबह से, तो सुबह के लिए क्या लगाते हैं, सिंस का यूज करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम है ये, दे विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है, दे विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। चलो इसको हटा देते, पहचानने का नहीं है, मेरे ख्याल से सबको समझ में आया होगा, क्योंकि नीचे जगह कम है, आगे आप देखोगे ऊपर फर्क नहीं, सर राधा दो घंटों से नाचती हुई रहेगी, है ना, तो पहले यहाँ सब्जेक्ट है राधा, राधा लिखो भाई, राधा के साथ विल हैव बीन डायरेक्ट लगा दे, यहां से यहां तक राधा विल हैव बीन, अब चेक करते कर क्या रही है भाई, है ना, काम क्या है, नाचना, राधा विल हैव बीन डांसिंग, डांसिंग कब से, दो घंटों से, जो पीरियड ऑफ टाइम है, तो क्या रहेगा, फॉर टू आवर्स, है ना, हो गया कहानी खत्म, ये सीरो सर्वे मेरा बन गया। अब स्टूडेंट्स अभी आप लोगों को मैंने बताया क्या कि पहले सारे सेंटेंस में जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस सब में हम लोग सिंस का यूज करते थे और इसे फॉर फ्रॉम का यूज करेंगे, लेकिन अभी तो हमने आपको बताया क्या सिंस का यूज, लेकिन सिंस तो होगा नहीं, क्या होगा, फ्रॉम होगा, ये आदत को सुधारना है ना, यहां पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या लगाएंगे, फ्रॉम का यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ये जो सिंस है सिंस का यूज करते थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, ऐसे नहीं बना देना है। तो यहां तक हमने तीनों क्वेश्चन को बना दिए, अब है क्या इसका नेगेटिव, देखते हैं कैसे होगा, नॉट का यूज कहां पे करेंगे, है ना, वह किताब पढ़ता हुआ रहेगी, पढ़ता हुआ रहेगा, चलो वह किताब पढ़ता हुआ रहेगा, वह किताब नहीं पढ़ता हुआ नहीं रहेगा, पढ़ता हुआ नहीं रहेगा, वे लोग सुबह से खेलते हुए नहीं रहेंगे, राधा दो घंटों से नहीं नाचती हुई नहीं रहेगी, या नहीं नाचती हुई रहेगी, नाचती हुई नहीं रहेगी, जहां पर सेट करे वहां नॉट नहीं लगा दिए, है ना, नॉट का यूज कर दिए, तो स्ट्रक्चर में नॉट का यूज हम लोग कहां करेंगे, ये बहुत बड़ा मैटर है, स्टूडेंट यहां पे गलती करते हैं, ध्यान रखोगे। तो हमने आपको बताया था एग्जिलरी वर्ब के बाद हम लोग यूज करते हैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद वाला जो वर्ब लगा हुआ है ये एग्जिलरी वर्ब है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नॉट का यूज करेंगे, प्लस नॉट अथवा प्लस देंगे इस जगह पे, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसी को बनाते हैं, वह किताब पढ़ता हुआ नहीं, है ना, पढ़ता हुआ नहीं रहेगा, पढ़ता हुआ नहीं रहेगा, है ना, तो ही विल Not, याद लगा दिए, have been reading a book, कहानी खत्म, बन गया। Next, वे लोग सुबह से खेलते हुए नहीं रहेंगे, they will not have been playing from morning, है ना, तो not का यूज यहां कर लिए, वो राधा दो घंटों से नाचती हुई नहीं रहेगी, राधा will not, है ना, have been dancing for 2 hours, और ये समझ में negative समझ में आ गया। अब जब नेगेटिव समझ लिए बनाना हम लोग, तो इसको फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते कैसे बनेगा। इंट्रोगेटिव के लिए हम लोग करना कुछ नहीं है, जस्ट यहां पे हमने पहले क्या करना है कि भाई नहीं को हटाओ, नहीं को हटाओ, है ना, नहीं को हटाओ। अब नहीं हटाए तो क्या करेंगे, यहां पे क्या का यूज कर दे, क्या वह किताब पढ़ता हुआ रहेगा, तो भाई क्वेश्चन मार्क दे दो, क्या वे लोग सुबह से खेलते हुए रहेंगे, क्वेश्चन मार्क दे दो, क्या राधा दो घंटों से नाचती हुई रहेगी, क्वेश्चन मार्क दे दो, कोई दिक्कत, दिखा दिया। अब इसको बनाना है, कोई टफ काम नहीं है बनाना, करना कुछ नहीं है, पहले तो नॉट को हटा देते यहाँ पे, क्योंकि नॉट नेगेटिव का कांसेप्ट हटा दे हैं, नॉट हटा दिया है, तो करना क्या होता है, ये सेल विल जो है हमारा, इसी को बाहर लाना होता है, कहाँ लाना होता है, फर्स्ट में, तो क्या लिख देंगे, विल यहाँ पे, अच्छा बाहर आ गया, इसे बीच में कोई काम ही नहीं है,
जाओगे विल, अच्छा जब सेकंड फर्स्ट टर्म नहीं है तो इसको छोटा कर देंगे, विल ही हैव बीन रीडिंग अ बुक, क्वेश्चन मार्क, क्या हो गया, क्या हुआ, किताब पढ़ता हुआ रहेगा, कुछ नहीं किया, सैंड विल को बाहर कर देंगे, विल ही हैव बीन रीडिंग अ बुक। नेक्स्ट, विल दे हैव बीन प्लेइंग फ्रॉम मॉर्निंग, तो वहां पे हम लोग क्या किए, विल को बाहर कर दिए, यहाँ पे ये विल नॉट हटा देंगे, यहाँ भी थर्ड सेंटेंस में क्या करेंगे, विल रहा, have been dancing for 2 hours, है ना, तो interrogative sentence हो गया, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना। चलो next देखते हैं हम लोग, interrogative negative sentence, क्या नाम देंगे इसका हम लोग, interrogative negative sentence, है ना, interrogative negative sentence देखेंगे भाई। तो इसी में फिर से क्या कर नहीं लगा दे, क्या वह किताब पढ़ता हुआ नहीं रहेगा, थोड़ा स्पेस दे दे, दिक्कत हो जाता है, नहीं रहेगा, क्या वे लोग सुबह से खेलते हुए नहीं रहेंगे, है ना, क्या राधा 2 घंटों से नाचती हुई नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, सब में क्वेश्चन मार्क देना है भाई, क्योंकि इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है ये, तो निगेटिव में नोट लगा दिए। अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे सैलविल को क्या करना था, इसको चेंज नहीं किए थे, ये आप चेंज करोगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सैलविल यहाँ पे लाते हैं, सैल और विल का यूज हम लोग यहाँ पे करते हैं, है ना। अब ये नॉट का मतलब स्पेस चौड़ा करके लिख देते हैं नॉट, है ना, क्योंकि कोई जगह कोई चीज नहीं रहा, बचा ही नहीं है, है ना, देखो कितना बड़ा नोट लग गया, पहले दुबका हुआ था, बड़ा बड़ा नोट नोट लेकर लग गया। चलो देखते हैं, सैलविल प्लस सब्जेक्ट, है ना, प्लस नॉट तो हैव बीन प्लस वर्ब एंड ऑब्जेक्ट होगा, फॉर फ्रॉम का यूज करेंगे, टाइम का यूज करेंगे, तो हम लोग करना क्या, यहाँ पे भी नॉट का यूज कर दे, क्या हुआ, क्या वह किताब पढ़ता हुआ नहीं रहेगा, विल दे नॉट हैव बीन रीडिंग अ बुक, विल दे, सॉरी विल ही था, विल दे नॉट हैव बीन प्लेइंग फ्रॉम मॉर्निंग, विल राधा नॉट हैव बीन डांसिंग फॉर 2 hours, है ना, और से है ना, घंटे है ना, ये दिन है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव थोड़ा सा चेंज किए हैं, इसी में स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है क्या बनाए, कैसे बनाए, है ना, मतलब इजी वे यूज करेंगे बनाने के लिए। अब हम लोग इतना सीख, WH क्वेश्चन में अगर हम लोग बात करते हैं तो WH के बारे में क्या पता होगा, WH से शुरू होगा, जैसे what, why, when, where, है ना, इस जो सेंटेंस है इसको WH कहते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना चाहता है, है ना, पूछने वाला कि क्या काम हो रहा है, कहां जाया जा रहा है ना, देखते आगे। तो इसमें क्या होगा, वह 2 घंटों से क्या, है ना, पढ़ता हुआ रहेगा। अब देखो यहाँ पे किताब है, पढ़ता उठना से मतलब नहीं है, क्या पढ़ता हुआ जानना है कि क्या पढ़ाई हो रहा है ना, क्या पढ़ा वो पता ही नहीं है, ये ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना चाह रहा है। राधा 2 बजे से क्या करती हुई रहेगी, मोहन सुबह से कहां खेलता हुआ, अच्छा वे लोग का यूज नहीं किया ना, चलो समझ में आ गया होगा, वे लोग, चलो मोहन अगर वे लोग, है ना, वे लोग सुबह से कहां खेलते हुए रहेंगे, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या का यूज हो गया है। अब हम लोग करते हैं क्या, WH के बारे में जो भी रहेगा, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर सब यूज करेंगे, फिर शैल प्लस यूज करो और विल प्लस, अब जैसे था इंट्रोगेटिव का सब्जेक्ट प्लस, है ना, हैव बीन प्लस, है ना, वर्ब में आईएनजी, है ना, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर और फ्रॉम प्लस टाइम, बताए थे फॉर सिंस नहीं, फॉर और फ्रॉम का यूज करते हैं, साफ से लिखते हैं फॉर फ्रॉम, है ना, जैसे यहां हमने बताया था अभी फॉर और फ्रॉम का यूज करते हैं, चलो इसको मिटा देते हैं, यहां पे समझ में आ गया होगा इसको। नेक्स्ट देख स्टूडेंट्स,
इसको बनाने के लिए जब हम ये बोले कि WH में ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करता हो रहेगा, अच्छा ये जो स्ट्रक्चर है हमारा वो इंडिकेटिव का है, तो ऑब्जेक्ट जब फाइंड आउट करता हुआ रहेगा तो यहाँ ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, पढ़ेगा ही नहीं पड़ेगा। What will he have been reading? कब से भाई? दो घंटों से ना period of time है। दो घंटों से मतलब period of time, period के लिए for का use करते हैं। For कितना hour? Two hours, है ना? What will he have been doing for 2 hours? ठीक है? Next question मार। अब है रहा दो वैसे क्या करती हुई रहेगी? तो what will राधा हैव बीन डूइंग है ना, क्या करती हुई ना, डूइंग कब से भाई? दो बजे से, तो फ्रॉम का यूज करेंगे, डूइंग फ्रॉम 2 o'clock। 2 o'clock का मतलब 2 o'clock, ओ क्लॉक का फुल फॉर्म ऑफ क्लॉक होता है, ठीक है, शॉर्ट में ओ क्लॉक लिखते हैं। वे लोग सुबह से कहां खेलते हुए रहेंगे? तो कहां है, तो कहां का पहले वेयर का यूज करो भाई, वेयर के लिए दे का यूज दे होगा, दे के लिए विल का यूज करेंगे, वेयर विल दे हैव बीन, दे हैव बीन खेलना है ना, प्लेइंग है ना, वेयर विल दे हैव बीन प्लेइंग कब से भाई? सुबह से क्या होता पॉइंट ऑफ टाइम है, तो फ्रॉम का यूज करेंगे, फ्रॉम मॉर्निंग। क्वेश्चन मार्क है ना, दिक्कत नहीं आया होगा। दूसरी बात, अगर इसको नेगेटिव बनाना होगा तो सेल और विल, सेल नॉट को हम लोग क्या लिखते हैं, शॉर्ट का यूज करते हैं, विल नॉट का यूज अगर करना होगा तो वॉन्ट का यूज करेंगे, है ना, शॉर्ट में अगर लिखना चाहो तो ऐसा भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप सबको समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा लेकिन आप एक काम करना भूल रहे हो, क्या? सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन दबाना, क्योंकि यही आपको आगे बढ़ाएगा। प्रेस रहेगा बेल आइकन तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, कब? जब हम अपलोड करेंगे तब, है ना, तो आप उस बार देख लेंगे और नॉलेज गेन कर लेंगे। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना। थैंक यू सर।